नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। किसानों का आंदोलन बीते कई दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा है। इन बीते महीनों में आपने कई तरह की तस्वीरें देखी। लाल किले की हिंसा से लेकर संसद के बाहर चल रही किसान संसद तक कई जगहों पर किसान के नाम पर उपद्रवियों ने भी हो हल्ला काटा। हाल ही में हरियाणा में पुलिस कर्मियों ने कथित किसानों पर लाठियां बरसाई, जिसको लेकर सियासत भी उबाल मारने लगी। और अब यही काम हुआ पंजाब में, जहाँ कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस अपने आप को किसानों का हितेशी बताती है। आपको बता दें कि पंजाब के मोगा जिले में गुरुवार को शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल जनसभा कर रहे थे और जनसभा का विरोध करने के लिए कुछ किसान संगठन पहुंच गए। किसान संगठनों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, मजबूरन पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। और ये सब हुआ पंजाब में, जहां कांग्रेस की सरकार है, जो अक्सर ये सवाल उठाती है कि केंद्र सरकार पर, जो सवाल उठाती है हरियाणा सरकार पर। और आज उसी पंजाब सरकार में किसानों पर लाठियां चली हैं। बता दें कि इस घटना में कई किसान और पुलिस वाले घायल हुए। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सुखबीर बादल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 100 दिनों के पंजाब यात्रा पर निकले हैं। इसी कड़ी में वो मोगा जिले में पहुंचे थे। यहां के धर्मकोटा स्थित नई अनाज मंडी में उनकी जनसभा हो रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी दोपहर के करीब 12 बजे कुछ किसान वहां पहुंचे और उनका विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग शुरू कर दी। पुलिस ने किसानों को रोककर वहां से हटाने की कोशिश की, जिससे वो भड़क गए। देखते ही देखते मामला गर्मा गया। किसानों पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस और किसानों के बीच तीखी झड़प हुई। बताया जा रहा है कि तकरीबन 24 किसान और 6 पुलिसकर्मी घायल हुए। घायलों में डीएसपी गुरदीप सिंह और 2 इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, किसानों के साथ झड़प में एक दर्जन से अधिक गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हालत बेहद ही गंभीर बनी हुई थी। मोर्चा संभालते हुए पुलिस को भी लाठीचार्ज करने का फैसला लेना पड़ा और वाटर कैनन से भीड़ को तितर बितर किया गया। ऐसे में सवाल यही है, क्या ये किसान थे या किसान के भेष में घुसे आंदोलनजीवी, जो पुलिस पर ही पत्थर बरसाने लगे और दूसरों पर लांछन लगाने वाली पंजाब सरकार के राज में ही ये सब हो रहा है। और अमरिंदर सिंह, राहुल गांधी सब चुपचाप बैठे हैं। क्या अब उन्हें ये तस्वीर नहीं दिखाई देती? क्या अब उनकी उंगलियां ट्विटर पर नहीं चलती? सवाल इसलिए क्योंकि यहां भी पुलिस के जवानों पर पथराव किया गया, यहां भी भीड़ आक्रामक हुई। जब तस्वीर एक जैसी है तो राजनीति अलग क्यों? अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।